मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आज मुझसे कोई मेरे कवच और कुंडल क्या प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। नहीं पिताश्री, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मार्ग से हटो, मेरे मार्ग से हटो और मुझे मेरा धर्म निभाने दो। स्वयं को सूत पुत्र सिद्ध करने का यही मार्ग है कि मैं सूर्य से मिले इस आशीर्वाद को स्वयं से सदा के लिए दूर कर दूं। पिताश्री, परंतु सूर्य देव तो अभी तक उदित भी नहीं हुए, सूर्य देखे बिना उन्हें अर्घ कैसे देंगे पिताश्री? सूर्य उदय होगा और उनका प्रकाश पहले से अधिक तीव्र होगा, क्योंकि उस प्रकाश में उनके पश्चाताप और खेत की ज्वाला सम्मिलित होगी। शताब तो मुझे भी है पिताश्री, कि मैं आपको कभी कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया, परंतु तो मैं आपको स्वयं के साथ ही अन्याय नहीं करने दूंगा। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस अन्याय को होने से रोक सकता है। सूर्यदेव, ये एक पिता का धर्म होता है कि वो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाए। क्या अब एक पुत्र अपने पिता को मार्ग दिखाएगा? अपने पुत्र मोह में अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव। सूर्यदेव ने ना उदय होने का प्रण लिया है कर्ण। सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो कर्ण।
सूर्यदेव अपना उत्तरदायित्व तो भूल चुके हैं। प्रकृति निर्मोही है और उसका संबंध केवल अपने कर्तव्य से है, और स्वयं सूर्यदेव भी इस प्रकृति का महत्वपूर्ण भाग है। उन्हें आना होगा और आप जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस दान की अपेक्षा से आए हैं, वो दान आपको अवश्य मिलेगा। इंद्रदेव, आपने एक भिक्षुक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। इसका अर्थ है कि सूर्यदेव ने तुम्हें पहले ही मेरे मंतव्य से अवगत करा दिया। परंतु आश्चर्य का, फिर भी तुम अर्घ देने, दान देने, भेंट देने चले आए अंगराज। सूर्यदेव ने वो किया जो एक पिता का धर्म होता है, आपने वो किया जो एक पिता का मोह होता है, और मैं वो करूंगा जो एक योद्धा का कर्तव्य होता है, वचन का पालन। और जब देवराज स्वयं भिक्षुक बनकर दान मांगने आए हैं, तो इस राधे के लिए इससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है। अद्भुत, बहुत अधिक आत्मविश्वास है तुम्हें तुमको। परंतु ज्ञात रहे, अति आत्मविश्वास नाश का कारण बन जाता है। विश्वास तो आप खो बैठे हैं कि जब तक मेरे पास कवच और कुंडल है, आपका पुत्र अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि अर्जुन मेरा सामना तब करेगा जब मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं होगी, तभी मेरा वास्तविक कौशल उसके समक्ष आएगा। बहुत अहंकार है तुम्हें स्वयं पर अंगराज। भला मुझे किस बात का अहंकार होगा? कवच और कुंडल का, ये तो एक पुत्र को उसके पिता की ओर से एक सामान्य उपहार है। मेरा अभिमान मेरा पराक्रम और कौशल है, जिसे अब आप भी देखेंगे और आपका पुत्र भी। मैं अपना कवच और कुंडल आपको प्रसन्नता से भेंट कर दूंगा, क्योंकि युद्ध में बने रहने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरा पराक्रम और मेरे गुरु का प्रशिक्षण ही पर्याप्त है। परंतु आपको दान लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको देवराज होने की मर्यादा में रहना चाहिए था। मानता हूं कि मैंने पुत्र मोह में ऐसा किया, परंतु पुत्र मोह का अपराधी केवल मैं ही नहीं, कोई और भी है जो अपने कर्तव्य मार्ग से टिक रहा है। कदाचित तुम्हारे पिता आज उदय ना होकर तुम्हें दान नहीं करने देना चाहते। दान का वचन मेरा है जिसे मैं पूर्ण करूंगा, और उदय होना सूर्यदेव का धर्म है। जब पुत्र अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो एक पिता को भी अपना धर्म निभाना होगा। सूर्यदेव को उदित होना होगा। इस संसार को प्रकाश का दान देने का समय आ गया है। पिता वो होता है जो जीवन देता है। आप केवल कर्ण के पिता नहीं, इस जगत के पिता हैं। क्योंकि यह जगत आपके प्रकाश और ऊर्जा से जीवन पाता है। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने एक पुत्र के हित के लिए अपनी सारी संतानों के प्रति आप अपना उत्तरदायित्व भूल जाएंगे? मैं जानता हूं कि आप केवल मेरी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु स्मरण रहे सूर्यदेव, कि एक श्रेष्ठ पिता वो नहीं होता जो अपने पुत्र के समक्ष ढाल बनकर खड़ा रहे,
बल्कि एक श्रेष्ठ पिता वो होता है कि जो संसार के दिए घावों का सामना करने में अपने पुत्र को सक्षम बना। अफसर की प्रतीक्षा अफसरवादी करते हैं, छल करके अपना मंतव्य पूर्ण करते हैं। परंतु वीर हर पल को अवसर बना देता है। जिस प्रकार सूर्य को छाया के लिए मेघों की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार इस सूर्य पुत्र को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। आपने अपना कर्म किया, अब मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। वासुदेव! कि आप मुझे योग्य नहीं समझते कि मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकूं? अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो ये निर्णय मुझे लेने दीजिए, ये दान मुझे देने दीजिए पिताश्री। कि आप ये चाहते हैं कि इस युद्ध के पश्चात सारा संसार ये कहे कि कर्ण ने यह युद्ध अपने कौशल से नहीं, अपने पिता के दिए कवच के बल से जीता है। मेरा विश्वास कीजिए कि इस युद्ध को जीतने के लिए मेरे साथ जो अन्याय हुआ है और जो परिवर्तन मैं चाहता हूं वही पर्याप्त है। मेरा विश्वास कीजिए कि मुझे यह दान देने में कोई खेद नहीं रहेगा। आपको आपके पुत्र के स्थान पर गर्व होगा। जागिए पिताश्री, जागिए! इस संसार के सामने इस दान का साक्षी बनिए। मेरा आह्वान है कि आप उदित हो, उदित होइए पिताश्री। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। शांत विकोदर। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है और ना ही तुम्हें भान हुआ है कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है।
साथ आओ वृषसेन। कुछ कीजिए वासुदेव, मेरे पिताश्री। मुझे सब ज्ञात है वत्स। अभी कुछ क्षण पूर्व इंद्रदेव मुझसे भेंट करके गए हैं। फिर भी आपने ऐसा होने दिया? क्यों? माधव, इसका अर्थ वो ब्राह्मण स्वयं इंद्रदेव थे? नहीं, वो देवता नहीं, केवल एक पिता थे। इसीलिए देव होकर भी वो कर्म करने जा रहे हैं जो राक्षसों को भी शोभा नहीं देता। परंतु आप कुछ कीजिए वासुदेव, इंद्रदेव आज मेरे पिताश्री से दान में उनके कवच और कुंडल मांगने वाले। मेरे पिताश्री को ऐसा करने से रोक लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। कौन थे अर्जुन? अंततः वो आपके भाग। वो आपके भयंकर और एकमात्र प्रतिद्वंदी। क्या कवच छीनकर उनसे युद्ध जीतना चाहते हैं आप? तो आपसे क्यों बात कर रहा हूं, आप ही के कारण तो ये सब हो रहा है। मैं भूल कैसे गया कि इंद्रदेव स्वयं आपके पिता हैं। आपने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा ताकि आप द्वंद्व में मेरे पिता को परास्त कर सके। सावधान वृषसेन, तुम्हें आभास भी नहीं है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। क्षमा करता हूं तुम इसलिए कि तुम हमारे शिविर में आए हो, अन्यथा इस दुसाहस का मूल्य तुम्हें तुम्हारे प्राण देकर चुकाना पड़ता। स्मरण रखना कि मैं कौरवों की भांति छल में विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसी उच्च नीति नहीं अपनाऊंगा। पिता की संपत्ति यदि पुत्र भोग सकता है तो पिता के किए दुष्कर्म भी उसे भोगने पड़ते हैं। महारथी अर्जुन, ये उचित नहीं हो रहा है माता। देवराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इसी क्षण पिताश्री को रोकना होगा। कहिए इंद्रदेव, क्या दान मांगने आए हैं आप? क्या हुआ? यदि आप याचक बनकर आ ही गए तो दान मांगने में संकोच कैसा? कहिए क्या इच्छा है आपकी?
ए दानवीर कर्ण, मैदान में तुम्हारे कवच और कुंडल मांगता हूं। जो आज्ञा इत्रदेव, आपने मुझसे दान नहीं मांगा बल्कि मुझ पर उपकार किया है। एक सूत पुत्र के पास स्वर्ण कवच रहने का क्या लाभ? मैं आपका दान पूर्ण करने का वचन देता हूं।